मैं इस बार 10 पॉइंट लेकर दिखाऊंगा और निशाना बीच में ही रखूंगा, चूकने नहीं दूंगा, देखो। रुको, क्या तुम्हें इतने बड़े बोर्ड में 7 नंबर ही दिखाई दे रहा है? तो तुम ऐसे ओपी प्लेयर बनना चाहते हो? ऐसे तो तुम्हें रैंक भी नहीं खेलने देंगे, तुम्हें बहुत सुधार की जरूरत है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे पीठ दिखाने से कुछ नहीं होगा। सही बोले एडम भैया, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, समझे? लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश नहीं होती, अलवारों से पूछो, सीखो अलवारों से। हटो यहाँ से, अलवारों दिखाओ इसको जरा, प्रैक्टिस क्या होती है। आओ अलवारों अपनी गन लेके इसे दिखाओ प्रैक्टिस का नतीजा। अलवारों 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करता था। ठीक है एडम भैया, अभी दिखाता हूँ इसे। रुको जरा, पोजीशन लेने दो। वाह क्या बात है। ये होती है टारगेटिंग। जाओ बलवारो अपनी जगह पे। मुझे लोग एडम से एडम लेजेंड ऐसे ही नहीं कहते, वो बहुत लंबा सफ़र था और मैंने कितनी मेहनत, कितनी फेलियर्स और कितनी बुया किए हैं ये सब जानते हैं। पूछ लेना किसी से भी, अगर समय लगे तो अलवारों से पूछ लेना मैं कैसे मेहनत करता था। चलो आज के लिए बहुत है, तुम अपने कमरे में जाओ और अलवारों तुम मेरे साथ आओ, समय हो गया है आज के लिए, चलो चलो। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, लाओ अपनी गन दो मुझे। नो सर। अब आएगा मजा, देखना ध्यान से। बाप रे बाप, पता ही था। एक दिन एडम भैया की तरह ही बन जाऊंगा और मैं भी बन जाऊंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। हाँ हाँ तुम सभी बन जाओगे मेरी तरह एडम, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। चलो अलवारो और तुम अपने रूम में जाओ। एडम भैया कहाँ हो आप? एडम भैया सुनो, एडम भैया। इस कला को क्या हुआ? हाँ बोलो कला, क्या हुआ बोलो।
एडम भैया, क्लॉक टावर से फोन आया है। क्लॉक टावर से किसका फोन आया है? पता नहीं, वो बोल रहे थे कि एडम फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मैं क्लास ले रहा था। तुम्हें पता तो है ये ट्रेनिंग का टाइम है। हाँ, लेकिन बहुत जरूरी काम है। हाँ तो तुम्हारी बात हुई, क्या बोल रहे थे वो? मुझे नहीं पता, वो बोल रहे थे एडम से बात करनी है। ठीक है, मैं करता हूँ बात, अब चलो मेरे साथ। चलो, दोनों क्या बात कर रहे हो, चलो चलो अब। कला, बाकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? एडम भैया, वो सभी घूमने गए हैं। अच्छा, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कला, क्या काम हो सकता है? पता नहीं एडम भैया, कुछ जरूरी काम ही लगता है। चलो ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं देखता हूँ फोन मिला के। चलो पहले रूम से फ़ोन ले आता हूँ और बाहर आके ही देखता हूँ मिला के, यहाँ रेंज की बहुत प्रॉब्लम रहती है। चलो यही देखता हूँ फोन मिला के। अरे ये क्या, डीजे लोग की 5 मिस कॉल्स। अरे हाँ, डीजे लोग की ड्यूटी भी तो क्लॉक टावर पे ही आई है। शायद कला के पास डीजे लोग का ही फोन आया हुआ, डीजे लोग को ही ट्राई करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जल्दी से इस चैनल आरपी मूवीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम आए हैं एक नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम है फ्री फायर ज़ॉम्बीलैंड। अरे ये फ़ोन मिल क्यों नहीं रहा, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ एक नया टावर लगवाना पड़ेगा ग्रेना से कह के, फ़ोन तो लग ही नहीं रहा। चलो फिर ट्राई करता हूँ। और एडम भैया, कल उस दिन मेरे साथ नू प्रैंक कर रहा था, लेकिन मैं समझ गया था क्योंकि कला अक्सर ऐसा करता है। और फिर मैंने भी नू प्रैंक किया और एकदम धड़ाम से उसको हेडशॉट दिया। हा 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 हा, है ना कला, बताओ ना एडम भैया को। हाँ हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम भी दोनों ना यार बस। अब जल्दी से ख़त्म करो और सोने जाओ। हाँ लेकिन एडम भैया, क्या आपकी डीजे लोग सर के साथ बात हुई? हाँ बताओ भाई एडम, हुई क्या बात? नहीं यार, फ़ोन ही नहीं लग रहा अलोक का, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तुम दोनों ने सही याद दिलाया मुझे, रुको अभी ट्राई करता हूँ, फ़ोन मिला के देखता हूँ।
हाँ अब लग तो रहा है रेंज के डंडे पूरे दिखाई पड़ रहे हैं। चलो मिलाता हूँ लोग के पास फोन। अरे लोग भाई फोन तो मैंने मिलाया है और तुम मुझे ही बोल रहे हो कि फोन नहीं उठाते। हाँ वो 5 मिस कॉल्स भी तुमने ही मुझे दी होगी ना। अरे तब मैं वो उस नए लड़के को शूटिंग की ट्रेनिंग दे रहा था भाई। अच्छा तो उसने ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ भाई 2-3 दिनों से ज्वाइन किया है। कला बता रहा था कि कोई जरूरी काम आया है। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है जो आपने मुझे इतने फोन कर डाले? हाँ काम तो जरूरी ही है। पर क्या गरीना फेवलपुर याद है? अरे आलोक भाई कैसे बात करते हो आप, फेवलपुर को कौन भूल सकता है। वही फेवलपुर ना जो सबसे पुराना मैप है और अब वो एक गरीना का सबसे पुराना गांव भी है। हाँ वही फेवलपुर। लेकिन अब उससे जुड़ा हुआ हमें क्या काम आन पड़ा है? वहां तो सभी पुराने भुट्टे लोग रहते हैं। पता नहीं कुछ तो अजीबोगरीब जरूर चल रहा है वहां। मुझे वहां से फोन आया था और पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगता है वहां जाकर ही पता चलेगा, तो मैंने इसीलिए तुम्हारे पास फोन किया है कि अभी मैं तो नहीं आ सकता हूँ, अगर तुम जा सकते हो तो प्लीज तुम जाके वहां संभालो कि वहां चल क्या रहा है और जल्दी से जल्दी इस मसले को खत्म करो। ठीक है लोग भाई मैं कोशिश करता हूँ और आपको कल सुबह बताता हूँ कि मैं जा पाऊंगा या नहीं। ठीक है भाई रखता हूँ फोन। ठीक है लोग भाई मैं आपको कल बताता हूँ। मुझे पता है आप सभी भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि वहां से फोन क्यों आया था, किसने किया था और ये भी कि कल वहां एडम जा पाएगा या नहीं। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का। आप RP मूवीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और हम सभी को पता चल पाएगा कि वहाँ क्या चल रहा है। धन्यवाद।